हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ध्रुमोनु। आप लोगों का स्वागत है। ये देखिए बेचिन बिछा रहे हैं। हम भी हेल्प किए हैं, हम ऐसे बिछाते हैं हाँ, ये अपना लोट पोट होके भी जाते हैं। सो गाइज, आज हम लोग बेडशीट चेंज कर रहे हैं फाइनली। मतलब जब से बेड आया था तो हम लोगों ने वो रेड कलर वाला बेडशीट रखा था, क्योंकि ज्यादा गंदा तो होता नहीं है, बट आज सोचा कि चेंज करें। तो आज ये वाली न्यू बेडशीट हम लोग बिछा रहे हैं। मस्त है ना ये इसका कलर। हाँ, कल तुम उसमें नींबू पानी भी गिरा दी थी। हाँ, कल उसमें मैंने नींबू पानी और नींबू का चाय गिराया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा ज्यादा नींबू पानी से नहीं होता चटचट, चीनी वाला उससे क्या नहीं हुआ था, तुम्हारे नींबू के चाय से हुआ था। सो गाइस, ये वाली बेडशीट भी हमें बहुत पसंद आ रही है। मुझे लगा था कि सिर्फ वो रेड रोजेस वाला जो था वो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ, लेकिन इसका ये कैसे कि ये बेडशीट काफी जल्दी मतलब गंदी होगी, तो बहुत सफाई से रखना होगा। तो आज डेट है गाइस 4 दिसंबर और अभी टाइम हो रहा है, आपको दिखाई देते हैं डायरेक्ट। तो अभी बज रहे हाँ वही 10 लगभग, तो कैसे दिखेगा। सो गाइस, अभी 10 बज रहे हैं और मेरा फेस आपको थोड़ा डर लग रहा हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रात को बहुत ज्यादा सिर दर्द हो गया था, तो अभी मैं थोड़ी बीमार हूँ। हाँ, और थोड़ा सा फेस पे ठंड की वजह से थोड़ा रिएक्शन भी हो गया था, बट अब सब कुछ ठीक है। मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे सोई हूँ मैं, बट फिर भी रेस्ट करूंगी। और ये थोड़ी सी सफाई करेंगे, और सफाई करने के पहले जो भी अरेंजमेंट्स करना रहता है, सभी सामान को मैंने एक जगह कर दिया है ताकि इनको सफाई करने में आसान हो, फिर मैं सबको सेट करूंगी। एक बार आप भी बेडशीट का फुल लुक देख लीजिए। तो चलिए पहले सफाई वगैरह कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। वैसे बीच में अगर हुआ तो ब्लॉग जरूर करेंगे। हाँ, अब ये तकिया को कपड़ा पहना रही है। मैं काम करती हूँ। हाँ, तकिया को कपड़ा पहना रही हूँ। देखो ने उसका मुंडी है, मुंडी टूट जाएगा। नहीं टूटेगा भाई, हम पहना रहे। कल रात को तुम्हें इतना सिर दुख रहा था ना, पता नहीं क्यों। हाँ, तुम सामने फेस वॉश कर लेती हो इसलिए हो रहा होगा तुमको। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा था, मैं सिर बहुत दर्द कर रहा था, फिर मैं जल्दी जल्दी सो गई थी। एक नंबर बेडशीट है। यस, ये कलर बहुत अच्छा है, मतलब ऑफ व्हाइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ बज गए दोपहर के 11:30 और मैंने जस्ट शावर लिया है और रूम फ्लैट सारा चीज क्लीन हो गया। और ये जो दिख रहा है आपको, ये कुछ नंबर नहीं है, ये मैडम, इनको फीवर हुआ है। हाँ, फीवर हो गया गाइस सीजन चेंज होने की वजह से, तो ये अभी रेस्ट मोड पे हैं। और मैंने लगभग सारा मैंने थोड़ा सा इसने शुरू में हेल्प किया था, फिर फ्लैट पूरा क्लीन हो गया है, पूजा भी कर ली है मैंने। आज टाइम निकाल कर थोड़ा सा मैंने बालकनी को भी साफ कर ही दिया है। ये जो रेलिंग है इसके पूरा धूल बैठा रहता था, ज्यादा नहीं हो पाया, बट 80% अप्रॉक्स साफ हो चुका है। फोर्थ फ्लोर होने के बावजूद भी इतना सारा धूल आता है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा मतलब धूल था। हाँ, और ये हम लोग का 22 एनिवर्सरी का बैलून अभी तक ये फुला हुआ ही है, नहीं पच गया एक भी। तुम रेस्ट करो, देखते हैं लंच का प्रिपरेशन में आलू का भुजिया या फिर जो भी। बाय। सो अभी बज रहे हैं 2:30 और हम लोगों ने लंच कर लिया, पराठा और भिंडी का सब्जी, जिसका क्लिप हम लोग नहीं ले पाए। और ये तो आज रेस्टिंग मोड पे रहेगी, क्योंकि फीवर थोड़ा सा उतरा है अभी, बट है। और अभी थोड़ा हम लोग रेस्ट ही कर रहे हैं, आज ही कम ही चांस है कि वीडियो बनेगा बाकी चैनल्स पर। हाँ, वीडियो कम चांस है। अरे तुमको सोने बोले तो तुम उठी हुई है, तुम सो जा। तो आज तो वीडियो नहीं बनेगा। अभी 2:30 बज रहा है, लंच हो चुका है, शूटिंग होगा नहीं, तो अभी रेस्ट करते हैं। उसके बाद जब आगे देखते हैं, जब उठेंगे तो फिर मिलते हैं। हाँ, तो गाइस बज गया है 5:00 और थोड़ा मोटा रेस्ट हो चुका है, इसका फीवर उतर चुका है, बट थोड़ा सा वीकनेस लगे हैं, क्योंकि तुम सिर्फ एक पराठा खाई हुई हो। सो गाइस, ये मैंने लेकर आए अंडे, इन्होंने बॉईल किया है, थैंक यू, तुम इतने अच्छे हो। एक पराठा खाई हो सिर्फ, मेरे बीमार हो।
मेरे बीमार हो जाने की वजह से सारा लोड इन पे आ गया है। इन्होंने लंच भी बनाया और यहाँ पे एक भी बॉल कैच दिया। कभी हमको भी फीवर होता है तो तुमको करना पड़ जाता है। सो यहाँ पे लाइन कट गया है और ये डीजे बॉक्स अंधेरा में सिर्फ चमक रहा है। डीजे बॉक्स है, लाइन भी कट गया और ये शाम का लगभग 6:15 करना जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि 6:30-7 बज गया हो एकदम। बहुत जल्दी अंधेरा होता है, सब गाड़ी का लाइट भी जल गया। अंधेरा ही अंधेरा ये हॉल है, पता भी नहीं चल रहा। कभी हमको फीवर होता है, कभी तुमको हो जाता है। नहीं अच्छा, तो ये तो अच्छा ही बात है, तुमको उतना नहीं होता है तो चलो ये अच्छा बात है। अच्छा कोई बात नहीं, तो अभी तो मंडे खा लो, वेलकम। तो आज का ब्लॉग तो बहुत छोटा रहा एक तरह से, क्योंकि हाँ, कुछ शूटिंग भी नहीं हो पाया। हाँ, तो हालत भी खराब लग रहा है अभी। तो ब्लॉग को हम लोग यहीं पर अभी एंड कर देते हैं। तुम अंडा खा लो। हाँ, अंडा खा के फिर हम ब्लॉग को एंड कर देंगे। और इसलिए आज मैंने फुल डे रेस्ट ले लिया है, क्योंकि कल से शायद मैं कल करना काम पूरा अच्छे से। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।